स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज ग्रामर में अपने एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है हिंदी में दोस्तों? विशेषण। तो इस विशेषण का काम क्या होता है? विशेषण या एडजेक्टिव सेंटेंस में कब यूज होता है, ये सारी बातें आज अपने यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो एडजेक्टिव जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। और विशेषण का यानी कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका काम होता है विशेषता बताना। किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी है, हम कह सकते हैं क्वालिटी बताना, किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, अर्थात नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना ही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? विशेषण का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना या उसे मॉडिफाई करना। तो यहां पर हम डेफिनेशन देखते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है यूज्ड टू क्वालिटी ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए होता है, या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग वर्ड्स जो होते हैं उनको भी एडजेक्टिव कहा जाता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स से हम क्या अर्थ निकाले? क्वालिफाइंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले या बाद में कहीं भी आकर उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में एक सूचना देते हैं, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कह रहा है कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये गर्ल जो है ये कैसी है? ये गर्ल, ये कह रहा है ब्यूटीफुल है, यानी कि गर्ल तो यहाँ पर क्या है? नाउन है। गर्ल यहाँ पर नाउन है और नाउन के बारे में बता रहा है कि ये नाउन कैसी है? ब्यूटीफुल है। प्लेयर कैसा है? प्लेयर नाउन है, कैसा है? गुड है। सिंगर जो है वो कैसा है? गुड है। सिंगर हो या प्लेयर हो या गर्ल हो, ये सब क्या है? ये नाउन है और ये भी क्या है? ये भी नाउन है। तो यहाँ पर ये गर्ल नाउन कैसी है? ब्यूटीफुल कैसी है, इसका मतलब ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही प्लेयर कैसा है? प्लेयर गुड है, तो गुड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। सिंगर कैसा है? गुड है, तो गुड एडजेक्टिव है। मतलब नाउन की विशेषता बताने वाला कि नाउन कैसा है या कैसी है, इसको बताने के लिए जो वर्ड आते हैं वही क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए आते हैं। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन ये कहती है कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताते हैं। फिर मैं बता दूं कि यहाँ पर गर्ल की विशेषता बता रहा है कि गर्ल ब्यूटीफुल है, प्लेयर की विशेषता बता रहा है कि प्लेयर गुड है, और सिंगर की विशेषता बता रहा है कि सिंगर भी गुड है। तो ये विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, इन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ये नहीं है कि एडजेक्टिव सेंटेंस में पहले लगे, एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में भी आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, अगर मैं ऐसे कह दूं कि देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। ये सेंटेंस है। अब यहां पर फ्लावर्स जो फूल है वो नाउन है, ये कह रहा है कि गार्डन में सुंदर फूल हैं, फूल नाउन है और ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव हो गया। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन। अब देखो, फ्लावर्स के बाद मैंने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, ये नाउन यहाँ आ रही है और एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। यहाँ पर नाउन बाद में आ रही थी, एडजेक्टिव पहले, तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है या बाद में आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज आपको याद रखनी है। बट
एक से अधिक एडजेक्टिव आ जाएं, यहां तो एक एडजेक्टिव है एक नाउन, एक एडजेक्टिव एक नाउन है, एक से अधिक एडजेक्टिव आते हैं और नाउन एक होती है, तो फिर उनको सबको बाद में लिखना होता है, पहले नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो वैसे जनरली एक नाउन और एक एडजेक्टिव तो आप पहले बाद में कहीं भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन एडजेक्टिव की क्या हो गई, जो ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब हम जानते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, इन प्रकारों की अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव, आपको मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर किसी का नाम, और जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया, इंडिया पर्टिकुलर नाम है, चाहे वो कंट्री का हो या किसी का भी हो। जैसे अपने कहते हैं अमेरिका, अमेरिका भी नाम है, कंट्री है। ठीक है, और किसी भी आपका मेरा हम सब का अपना नाम जो है ना, ये प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है। याद रखना, ये प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जांपल नहीं दिए मैंने, प्रॉपर एडजेक्टिव तो इन्हीं प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे कि इंडिया है, तो अगर आप इंडियन कर दोगे तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, और अगर इसको हम कर देंगे अमेरिकन तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। कहने का अर्थ यह है कि प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया जाता है। आगे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको इसके। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो इसी से एडजेक्टिव बन सकता है इंडियन। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, इसी से एडजेक्टिव बन सकता है अमेरिकन। इसी तरह पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, उसी तरह पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, पजेसिव एडजेक्टिव का काम होता है अधिकार बताना, पजेशन। पजेसिव पजेशन से बना है, पजेशन का अर्थ क्या होता है, अधिकार बताना। पजेसिव जो होता है POSSIVE, पजेसिव। यहां पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, सही स्पेलिंग आपकी क्या है, पजेसिव। पजेसिव जो है इसका काम क्या होता है, POSSIVE, ये सही स्पेलिंग होती है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, याद रखना, सही स्पेलिंग में इधर लिख देता हूँ, ये मैंने लिखी है जैसे साफ साफ, POSSIVE, पजेसिव। पजेसिव का काम क्या होता है, पजेसिव का काम होता है अधिकार बताना, पजेशन बताना। तो इसी से पजेसिव एडजेक्टिव बनते हैं। और ये कौन से होते हैं, जैसे माई, हिज, हर, आर, योर, देयर, ये वगैरह आएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप किसको कहोगे, जैसे अगर अपने बात करें ईच, अदर, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तहत आते हैं। और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, ये इस टाइप के जो, अनदर, एनीवन, ये सब डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तहत आते हैं। तो टोटल एडजेक्टिव के टाइप 8 हैं। आज हम 4 प्रकारों की बात करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, इनकी भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज हम इन 4 एडजेक्टिव को समझेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इन 4 एडजेक्टिव की अपने इस क्लास में बात करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब इनको अपने विस्तार से समझते हैं, इन 4 टाइप को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की, कि प्रॉपर एडजेक्टिव मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर नाउन से बनता है। देखो यहाँ पर ये नाउन है, और इन्हीं नाउन से किसका निर्माण होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव का। प्रॉपर एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, ए प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन से ही बनता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम। अब ये नेम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे प्लेस हो। ठीक है, पर्सन, प्लेस, कोई भी हो, पर्टिकुलर नेम होता है तो वो
प्रॉपर नाउन होती है, और प्रॉपर नाउन से ही एडजेक्टिव बनता है। जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, और इंडियन क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। और अमेरिका क्या है, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम है, इसी से क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, अमेरिकन। इसी तरह राजस्थान प्रॉपर नाउन है तो क्या बन गया, राजस्थानी, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह पंजाब प्रॉपर नाउन है, पंजाबी, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इटली प्रॉपर नाउन है, इटालियन, प्रॉपर एडजेक्टिव है। रशिया प्रॉपर नाउन है, रशियन, प्रॉपर एडजेक्टिव है। बहुत इजी है ये तो, कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर नेम, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर एडजेक्टिव में जो अपने को प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर जो एडजेक्टिव होता है ना, उसमें जब भी आप उनको लिखते हो प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव को, जो फर्स्ट लेटर होता है उसका, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी कैपिटल लेटर होना चाहिए वो, ठीक है। कैपिटल यानी कि बड़ी एबीसीडी में होना चाहिए। जैसे ये देखो आई, जैसे ए आर पी आई आर, चाहे यहां देख लो आई ए आर पी आई आर। तो फर्स्ट लेटर जो होता है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, जो प्रॉपर एडजेक्टिव हो, उसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े अक्षर में लिखना है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव होते क्या है, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव को समझने से पहले यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप इस टेबल को देखिए। जैसे एक होता है नोमिनेट केस का प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और एक होता है पजेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं। अब ये पजेसिव दो होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर हम इसको टेबल बनाकर देखें यहां पर इन सब को, तो आई जैसे नॉमिनेटिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, माई पजेसिव तो है लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव है, और एक माइन भी हो सकता है, माइन एडजेक्टिव नहीं है, माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, वैसे पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। माई पजेसिव एडजेक्टिव है बट माइन पजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे वी लिखें तो वी क्या है, नॉमिनेटिव है, अस ऑब्जेक्टिव है, आर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और आर्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह ही नॉमिनेटिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, और हिज ही पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। इसी तरह शी जो है नॉमिनेटिव है, हर ऑब्जेक्टिव है, और हर पजेसिव एडजेक्टिव भी है, और हर्स जो होता है एच ई आर एस, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह दे नॉमिनेटिव होता है और देम ऑब्जेक्टिव होता है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो देयर्स होता है टी एच ई आई आर एस, ये प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह यू भी हो सकता है, यू यू, और ये योर और ये योर्स, योर और ये योर्स। ये आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि पजेसिव दो होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव एक पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव एडजेक्टिव है सारे, ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव की यहां अगर हम बात करें तो दे आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई ए नाउन। जो इसकी डेफिनेशन हमने शुरुआत में ही देखी थी, एडजेक्टिव तो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। यहां पर क्या बोल रहा है, दे आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई ए नाउन टू शो अ फॉर्म ऑफ पजेशन। पजेशन मैंने अभी आपको बताया था, पजेशन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, अधिकार, अधिकार बताता है। ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का अर्थ क्या होता है, संबंधित होना, अधिकार बताता है। तो कोई व्यक्ति किस चीज पर अधिकार बताएगा, जो उससे संबंधित है। और ओनरशिप, इसको बोलते हैं मालिकाना हक, मालिकाना
हक बोलते हैं, और टू स्पेसिफाई ए पर्सन एनिमल और थिंग, ये कह रहा है कि किसी भी कोई भी ऐसी नाउन जिस पर आप अपना मालिकाना हक बताते हो, जो आपसे संबंधित होती है, जिस पर आपका अधिकार होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, जो भी हो, जिस पर आपका मालिकाना हक है, जो आपसे संबंधित है, जिस पर आपका अधिकार है, उसी अधिकार को बताने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसी नाउन को। जैसे माई, ये रहा यहां पर देखो माई, मैंने बताया था आपको, आर, ये रहा आर, ये रहा योर, ये रहा योर, और ये रहा हिज, हिज, देयर, देयर, हर, हर, हर है ये, हर से इधर है, हर, और इट, इट्स भी होता है, इट, इट, इट्स ऐसे भी होता है। तो ये इट्स भी, ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। कुछ खास समझने वाली चीज नहीं है, लेकिन इससे एक एरर का क्वेश्चन आएगा आगे, मैं बताऊंगा वो कैसे बनता है। जब अपने सारे टाइप के एडजेक्टिव पढ़ लेंगे तो मैं सबको मिलाकर कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसलिए उन कॉमन एरर के या फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन करेंगे वो तभी हो पाएंगे जब आप ये चीजें समझोगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो पहले तो ये सारी चीजें समझनी है आपको, आपको बस देखते ही एडजेक्टिव का पता लगना चाहिए, भैया ये कौन सा है, इंडियन लिखा है तो हाँ साहब प्रॉपर एडजेक्टिव है, माई लिखा है तो पजेसिव एडजेक्टिव है, पहले इन काइंड्स का पता होगा तभी अपने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो यहां पर देखिए माई, योर, आर, योर, हिज, देयर, हर, इट्स, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये अपना अधिकार बताते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन पर अपना अधिकार बताते हैं। जैसे कार, कार क्या है, अपने को पता है नाउन है, कार क्या है, नाउन, नाउन पर अधिकार बता रहा है, दिस इज माई कार, तो ये अधिकार बताने वाला शब्द ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये कह रहा है योर करियर इज नॉट गुड, करियर नाउन है, और किसका करियर, योर करियर, तो यहां पर ये अधिकार बता रहा है इस करियर पर, तो यहां पर योर एडजेक्टिव है और करियर क्या है, नाउन है। ब्रदर हमें पता है व्यक्ति है, तो ये नाउन है, और हिज ये एडजेक्टिव है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कौन से एडजेक्टिव है साहब, क्योंकि ये अधिकार को बता रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं, ओनरशिप को बता रहे हैं, मालिकाना हक को बता रहे हैं, इसका मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स पजेसिव एडजेक्टिव ही, एडजेक्टिव ही आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पीछे बात कर रहे थे प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन है, उसी से क्या बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। और अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, संबंधित होना किसी चीज से, मालिकाना हक बताना या अधिकार बताना, जो इसके लिए जो एडजेक्टिव यूज होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्योंकि पजेशन का अर्थ क्या होता है, पजेशन का अर्थ क्या होता है, मालिकाना हक बताना, अधिकार बताना, तो पजेसिव एडजेक्टिव उसी से बनता है। ओके, और यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, ये क्या होगा, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी ई, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव की स्पेलिंग क्या होगी, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी ई, पजेसिव, यहां पर गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पी ओ डबल एस ई होगा यहां पर क्या होगा, ई, पजेसिव एडजेक्टिव, याद रखना ये स्पेलिंग है इसकी, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, बांटना होता है, जैसे पजेशन अधिकार होता है, वैसे डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स बांटना, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें इनका, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि एन एडजेक्टिव यूज टू रेफर ईच एंड एवरी पर्सन थिंग सेपरेटली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किसी भी व्यक्ति वस्तु को अलग अलग रूप से बताने के लिए जो एडजेक्टिव यूज होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, बोथ, ये सब क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, मान लो किसी सेंटेंस में ऐसे लिखा हुआ है, ईच बॉय वॉज गिवन ए चॉकलेट, और आपसे पूछा जाए बताओ बच्चों कि ईच
क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है, क्या है पूछा जाए तो आप कहोगे एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है भैया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है साहब, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो ईच हो चाहे एवरी हो, आइदर हो नाइदर हो, एनी वन हो बोथ हो, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बट एक शर्त यह है कि इनके बाद नाउन आनी चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे कह देता हूं ईच ऑफ यू, या ऐसे लिखता हूं ईच ऑफ देम, इसमें आपसे पूछा जाए ईच क्या है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है, याद रखना। जैसे मैं ऐसे पूछता हूं नाइदर ऑफ टू गर्ल्स आर नहीं आएगा यहां पर, जाएगा इज टॉकिंग, ये सेंटेंस है। तो यहां पर नाइदर जो है ना वो एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर प्रोनाउन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ईच आइदर नाइदर है ना, ये प्रोनाउन भी होते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, बस आप इतना याद रखो कि इनके बाद अगर जस्ट बाद नाउन आ जाए, इनके बाद नाउन आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, ये क्या कहलाएंगे, तब एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखें कि यहां पर ईच एवरी आइदर नाइदर जो होते हैं इनको हम क्या मानेंगे, ईच एवरी आइदर नाइदर एनी वन बोथ, ये एडजेक्टिव है। फिलहाल आप एडजेक्टिव पर ध्यान दीजिए कि ईच बॉय वॉज गिवन ए चॉकलेट, या आइदर नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, आइदर ऑफ यू कैन कलेक्ट द प्राइज, नाइदर ऑफ देम, आइदर का अर्थ होता है दोनों में से एक, नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें और क्या हो सकता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की अपने बाद में बात करते हैं। और अगला प्रोनाउन, अपना अगला एडजेक्टिव जो है वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि कुछ इसमें अच्छे रूल्स हैं, उन रूल्स की अपने बात करेंगे। बट उससे पहले हम ये देखें कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। वैसे तो स्टूडेंट्स, जो डेमोंस्ट्रेट होता है, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन, डेमोंस्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, प्रदर्शन करना या फिर इशारा करना या संकेत करना, इसका अर्थ होता है। अगर इसको हिंदी में हम कहें कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का अर्थ क्या है, तो हम इसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। तब हम इसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर स्पेशल एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स आर्टिकल वगैरह आप देखेंगे कि ए एंडा का प्रयोग पढ़ोगे आप, सम एनी वगैरह पढ़ोगे तो वो डिटर्मिनर्स भी हैं। तो लिटिल आ लिटिल द लिटिल, या फ्यू आ फ्यू द फ्यू, वो तो पढ़ोगे। तो मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, जो डिटर्मिनर्स ग्रामर के अंदर हम टॉपिक पढ़ते हैं या जो आर्टिकल आप टॉपिक पढ़ते हो, ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं। अगर आपसे कोई पूछा है डिटर्मिनर्स क्या है, सब एडजेक्टिव का ही पार्ट है, आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो आर्टिकल और डिटर्मिनर्स तो इसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपको पता है सम एनी ये क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। तो डिटर्मिनर्स डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं, कुछ अलग ग्रामर का टॉपिक नहीं है। कई किताबों में इसको अलग से टॉपिक बना रखा है, जबकि वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं, एडजेक्टिव ही डिटर्मिनर्स होते हैं, ये याद रखें। तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर स्पेशल एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स यूज टू आइडेंटिफाई टू एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए नाउन इन टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस की बात करते हैं, नाउन के साथ टाइम और स्पेस की बात करते हैं, या कौन सी चीज कितनी संख्या में है उसकी बात करते हैं, उसको हम डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टूडेंट, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें ना, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होते हैं डेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और एक होते हैं इनडेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक इनडेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे अगर हम बात करें दिस दैट दीस दोज सच द सेम, ये तो कौन से हैं, ये हैं डेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर हम बात करें सम एनी ए सर्टेन और खाली सर्टेन अदर अनदर एनी अदर, ये सब कैसे होते हैं, ये होते हैं इनडेफिनेट।
ये डेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं और ये इनडेफिनेट हैं, क्योंकि ये जो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जो पीछे हमने पजेसिव और प्रोनाउन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, पजेसिव और उसकी प्रॉपर की कोई खास अहमियत नहीं है, क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव से एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन चारों को, जो चौथा आज हम पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके रूल्स देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें एरर के क्वेश्चन आते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर स्पेशल एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए नाउन इन द टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस की एक्चुअली ये बात करते हैं। कितने टाइप होते हैं स्टूडेंट्स के? दो टाइप होते हैं, एक तो डेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और एक इनडेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये तो डेफिनेट होते हैं, सम, एनी, असर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ये इनडेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब देखो यहां पर जो ये इंपॉर्टेंट लिखी रखा है, खैर इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लगभग यहीं से आते हैं। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि ए सर्टेन हो या एन सर्टेन हो, अनदर हो, दिस हो, दैट हो, और उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पड़ी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज होता है। कहने का अर्थ है, जब भी आपको ए सर्टेन दिखे या एन सर्टेन दिखे या अनदर दिखे या दिस दिखे, दैट दिखे, तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये रहा ए सर्टेन, अब हमें पता है ए सर्टेन है, तो इसके बाद किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बॉय या बॉयज, ए सर्टेन बॉय या बॉयज, तो आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होना चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा? बॉय, ए सर्टेन बॉय, ये होना चाहिए। ये तो होगा नहीं, ये गलत है। कैसे पता चला? क्योंकि जब भी सर्टेन से पहले ए या एन होगा या अनदर होगा या दिस होगा, दैट होगा, तो उसके बाद हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। तो ए सर्टेन आ गया तो ये बॉयज तो होगा नहीं, क्या होगा? बॉय। बट यहां पर देखो, एक बार उस दूसरे रूल को छोड़ो, इस पे आओ, क्योंकि सर्टेन यहां पर भी पड़ा है, यहां पर भी सर्टेन था और यहां पर भी सर्टेन है। तो ये कह रहा था कि जब सर्टेन ए सर्टेन हो या एन सर्टेन हो, जब तो अपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर खाली सर्टेन हो, ए एन कुछ भी नहीं है ऐसा, खाली सर्टेन हो, तो उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? तो ये कह रहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। अगर इस सर्टेन से पहले ये ए नहीं होता, इसका मतलब तो हमारा आंसर क्या होता? बॉयज। तो सर्टेन और ए सर्टेन में इतना फर्क है, देख लो, इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी छोटी सी ए आर्टिकल की ही आर्टिकल आएगा तो नाउन सिंगुलर हो जाएगी, आर्टिकल नहीं आएगा तो प्लूरल हो जाएगी। जैसे सर्टेन की जगह, ए सर्टेन की जगह सिर्फ सर्टेन होता तो हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे सर्टेन लिखा है तो अब बुक आएगा या बुक्स, हमें पता है प्लूरल आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहां पर क्या होगा? सर्टेन बुक्स। जबकि यहां पर क्या था? ए सर्टेन, तो हमने नाउन कैसे लगाई थी? सिंगुलर। तो ए सर्टेन होगा जब तो नाउन सिंगुलर, खाली सर्टेन होगा तो नाउन प्लूरल, ये याद रखना है आपको। ऐसा ही दीज, दोज के साथ भी होता है, अदर के साथ भी होता है। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता अदर और यहां पर मैं आपको ऑप्शन देता प्लेयर, प्लेयर या प्लेयर्स, तो अदर के बाद क्या आता है? काउंटेबल, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? अदर प्लेयर्स, अदर प्लेयर्स, ठीक है। लेकिन अदर की जगह अगर होता अनदर, अनदर, अनदर जो होता है इसके बाद सिंगुलर आता है, तब हम क्या लिखते हैं? प्लेयर, तब हम लिखते हैं प्लेयर। अनदर के बाद प्लेयर होता है, अदर के बाद जो होता है प्लूरल होता है, अदर प्लेयर्स, अनदर प्लेयर, ऐसे होता है। तो यहां पर सर्टेन और असर्टेन की मिस्टेक देखनी है। ए सर्टेन होगा तो नाउन इसके बाद आएगी सिंगुलर, सर्टेन के बाद आएगी प्लूरल, और दीज के बाद भी, दोज के बाद भी, अदर के बाद भी प्लूरल आएगी, जैसे अदर प्लेयर्स। लेकिन अनदर होता तो फिर सिंगुलर, फिर प्लेयर का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे यहां पर देखिए सेकेंड रूल, ये थर्ड हो गया कि सच, द सेम, द अदर, एनी, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यहां पर दोनों यूज हो सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल।
कैसी नाउन यूज होगी? सच, द सेम, द अदर, प्लस सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहां पर दोनों ही यूज हो सकती हैं। जैसे अपने कहते हैं कि सच, सच ए बुक भी हो सकता है, सच बुक्स भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट हैं। इसी तरह अपने कहते हैं द सेम बुक या द सेम बुक्स, दोनों ही सही हैं। एनी है, जैसे इस सेंटेंस में क्या लिख रखा है, एनी, एनी बुक भी हो सकता है, एनी बुक्स भी हो सकता है, दोनों ही चीजें सही होती हैं। जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें बताया गया है कि एनी के बाद प्लूरल नाउन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसे तो सम और एनी पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं कि सम के साथ प्लूरल आता है, एनी के साथ सिंगुलर, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज बुक और बुक्स, सिंगुलर और प्लूरल बोथ आफ्टर एनी, ओके। तो यहां पर दूसरा रूल क्या है कि सच, द सेम, द अनदर, एनी हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही काउंटेबल नाउन हो सकती हैं, सच के साथ, द सेम के साथ, एनी के साथ। बट यहां पर ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट थिंग यही है, ये सर्टेन ए सर्टेन वाला प्रश्न, सर्टेन वाला प्रश्न जो है ये पूछा जाता है अक्सर। तो सर्टेन होगा जब तो अपने प्लूरल लिखेंगे, और जो ए सर्टेन होगा उसके साथ सिंगुलर लिखेंगे। और वैसे भी आर्टिकल ए और ए एन जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो वन का ही कमजोर रूप होता है, वन ही माना जाता है, और जो वन है तो फिर सिंगुलर आएगा ही। जैसे मैं अगर ऐसे कह दूं हिंदी में कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, ये लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम ए टीचर, यही तो लिखूंगा। अब देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है तो वन आना चाहिए था कहीं, वन ना लिखकर मैंने क्या लिखा है, ए। तो ये ए और ए एन जो है ना, ये वन का ही कमजोर रूप है, और जो वन है तो फिर सिंगुलर ही तो आएगा, तो इसलिए ए सर्टेन के साथ सिंगुलर और सर्टेन के साथ प्लूरल, ये रूल इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जितने भी एडजेक्टिव थे, हमने 8 टाइप के एडजेक्टिव की बात की थी स्टार्टिंग में, कितने टाइप के एडजेक्टिव की बात की थी, 8, जिसमें हमने एक तो प्रॉपर एडजेक्टिव को पढ़ लिया है, हमने पजेसिव एडजेक्टिव को पढ़ लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव को पढ़ लिया है, और डेमोस्ट्रेटिव को पढ़ लिया है। ये 4 एडजेक्टिव हमने पढ़े हैं, अगली क्लास में हम 4 और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण होता है, विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन के पहले या बाद में कहीं भी आ सकता है, बट एक नाउन हो और एक से अधिक एडजेक्टिव हो तो उन सबको बाद में ही लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जा सकता। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नोमेरियल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के टाइप हैं। इनमें 4 हमने पढ़े हैं, 4 अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है ये प्रॉपर नाउन से बनता है, जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है तो इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, अमेरिका प्रॉपर नाउन है तो अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, राजस्थान से राजस्थानी, पंजाब से पंजाबी, इटली से इटालियन और रशिया से रशियन, ये एडजेक्टिव नाउन से बने हैं। पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार को बताता है, माई, आर, योर, हिज, देयर, हर, इट्स, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव ओनरशिप को बताते हैं, बिलोंगिंग को बताते हैं और पोजीशन को बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, ये बोथ, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। इनके साथ भी एक रूल है, वो जो वर्ब कैसे यूज होती है वगैरह, जब अपने क्वेश्चन करेंगे वहां पर अपने बात करेंगे। या मैं आपको बता भी दूं यहाँ पर कि इनके साथ ये जो है ना, यहाँ पर देखेंगे आप तो ईच बॉय जो दे रखा है वॉज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके इनमें से जो आइदर नाइदर है या ईच ऑफ आ जाता तो फिर वहां पर नाउन प्रोनाउन प्लूरल होती है और वर्ब सिंगुलर होती है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रदर्शन या संकेत या विशेषण का काम करते हैं, और 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, दिस, दैट, दीज, दो, सच, द सेम, ये डेफिनेट होते हैं, और लाइक आपने बात करें इनमें, लाइक इसके एग्जांपल की बात करें तो सम, एनी, ए सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ये सब इनडेफिनेट होते हैं। रूल अपने को याद क्या रखना है कि ए सर्टेन या अनदर, दिस, दैट सिंगुलर होता है तो फिर यहां पर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना चाहिए, और सच, द सेम, द अदर, एनी, इसके बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती है, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स
ये एडजेक्टिव का आधा पार्ट हमने क्लियर कर लिया है और अगला पार्ट अपने अगली क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक नमस्कार।